रीवा के सेंटर जेल में 307 के कैदी की संजय गांधी अस्पताल में मौत के बाद परिजनों ने सेंटर जेल पर लगाए गंभीर आरोप। उनका साफ तौर से कहना, हमारे पिता को प्रताड़ित किया गया, पैसे के लिए मारा गया। रीवा के सेंटर जेल के कैदी की संजय गांधी अस्पताल में मौत के बाद परिजनों का हंगामा। परिजनों का आरोप, कैदी की मौत जेल में ही हो गई थी, जेल के अंदर उनके साथ मारपीट की गई, हमको फ़ोन में बात नहीं कराई गई, हमें किसी तरीके की सूचना नहीं दी गई। जब हम अस्पताल आए तब हमें पता चला हमारे परिजन राजू शुक्ला की मौत हो गई, जो एक साल से ज़्यादा वक्त बिताने के बाद रीवा के सेंटर जेल में बंद थे। परिजनों का साफ तौर से आरोप है, हम जब भी जेल जाते थे वह हमेशा मारपीट की शिकायत करते थे, सिपाहियों के द्वारा पैसे की डिमांड की बात किया करते थे। उनके बेटे का साफ तौर से आरोप, शनिवार को भी अंतिम बार मिलने के दौरान उन्होंने प्रताड़ित करने की बात कही थी, सिपाही पैसे मांगते हैं, बीमारी की जानकारी भी नहीं दी। परिजनों का साफ तौर से यह भी आरोप, अस्पताल में पहुँचने के पहले ही उनकी मौत हो गई थी, हम लोग अस्पताल में काफ़ी भटकते, उसके बाद जब जेल में फ़ोन किया तो पता चला उनकी मौत हो गई है। कैदी की मौत के बाद परिजनों का हंगामा, जेल प्रबंधन पर गंभीर आरोप, अब यह तो प्रशासन की जांच के बाद ही तय हो पाएगा पूरा मामला क्या था, किस वजह से मौत हुई, लेकिन परिजनों की बात को भी नकारा नहीं जा सकता। सुनिए परिजन क्या कुछ कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक शुक्ला। मृतक के हम बालक हैं। क्या घटना ये हुई सर कि मेरे को कोई सूचना नहीं दी गई, या जेल से फ़ोन आया 5:05 में कि वहाँ ज़्यादा गंभीर हालत है तो संजय गांधी हॉस्पिटल में ले जाया गया, तो यहाँ जब हम आए तो कोई पता नहीं चल रहा था, एक घंटे बाद हमको पता चली कि मृतक घोषित कर दिया गया है। और हम शनिवार को उनसे मिलने गए थे जेल सेंटर जेल, तो वहाँ से जब गए तो वहाँ बोला गया कि हमको, हमारे पिता से बोले कि हमको वहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है, यहाँ जल्दी छुड़वाओ या नहीं तो मार डालेंगे। और हर बार इतनी बार जाते थे तो हर बार पैसे की मांग किया जाता था, पैसे अंदर से वही सिपाही मंगवाते थे तो बाहर कोई, हर बार अलग अलग आदमियों से दिलवाया जा रहा था। कब से बंद थे? 12 महीने हो गए, 12 महीने 12 दिन हो गए। यस सर। आपको कैसे पता चला कि यहाँ मृत्यु हो गई है? मृत्यु यहाँ सर डॉक्टर लोग बताए हैं कि BMO सर बताए हैं। वहाँ से मरा लेके आए। हम पाली बैकुंठपुर के हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शत्रुघ्न प्रसाद द्विवेदी। क्या घटना हुई? ये घटना ये हुई कि ये वहाँ थे, जेल में थे, और ये जब जेल में थे इसके बाद इन्हें कुछ बताया नहीं कि मतलब बीमार थे, क्या थे, कैसे थे, मतलब कोई जानकारी नहीं दी है। कल इन्हें शाम को 7:07 में इन्हें फ़ोन करते हैं, बोलते हैं कि वो ज़्यादा सीरियस हैं, आप संजय गांधी में जाके मिल लीजिए। यहाँ जब हम आते हैं तो यहाँ तमाम ढूंढते हैं, पता लगाते, कोई जानकारी नहीं मिलती है। और जब हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ बताया जाता है कि उनका मृतक हो गया, वो मर गए हैं, और अभी यहाँ पता चलता है कि उनको पहले से ही मार के लाया गया है। और जब इसके पहले हम 2-4 दिन पहले हम जब मिलने गए थे तो उनने हमारे रो रो के बोल रहे थे कि यहाँ पे मारते हैं, प्रताड़ित करते हैं, तो हमने कहा ठीक है। तो अभी इसके बाद अभी 2-1 दिन पहले हम जब पर्सनल से फ़ोन लगा रहे थे तो हमारे से बात नहीं करवा रहे थे, ये बोल रहे थे कि अभी वो बोलते हैं कि हम बात नहीं करेंगे, आके हमसे मिलें। तो मैं इनसे ये कहता हूँ कि हमें पहले तो फुटेज चेक करना है कि जब लाए थे तो कैसे, किस पोजीशन में लाए थे, इसके बाद बॉडी हमें देखना है कि बॉडी में क्या स्क्रैच है, क्या कैसे है, और इसके बाद पोस्टमार्टम हो तो वो भी हमारे सामने हो, और अगर बीमार थे तो उनने दवाई करवाई तो क्या दवाई करवाई है, और दवाई कराएं तो उसका भी हमें चाहिए, और उन्हें परिजनों को सूचित क्यों नहीं किए। कौन से जेल में? ये रीवा जेल में, सेंटर जेल में मृतक हैं जो राजू शुक्ला। कहाँ रहने वाले हैं? ये पाली के रहने वाले हैं। कौन से सजा जेल में बनते हैं? 307 के। आपको कब पता चला कि जेल में तो ये मृतक? हमको कल पता चला शाम को। क्या लगता है कैसे मृत्यु हुई? ये मृत्यु हुई है मारने से। कहाँ मारे? ये मारे हैं, अब ये तो चेक देखने के, जेल के अंदर मारे हैं, और ये जो जेली पहरी है ना वो बैठ के मरवाए हैं, क्योंकि पहले भी एक बार मरवा चुके हैं, बैठ के बेल्टों से मरवाते हैं वो। क्या नाम है जो जेल पहरी? जेल पहरी का नाम क्या है, नाम है?
रघुवीर अग्निहोत्री एक चौहान है कोई, एक चौहान है कोई नाम के, और एक अग्निहोत्री है। मेरा नाम शत्रुघ्न प्रसाद द्विवेदी। आप भी वहाँ पर थे क्या? नहीं नहीं, मैं जेल में नहीं रहता हूँ, मैं कोर्ट के अंदर, मेरा एक वो है शॉप है छोटा सा, मैं वहाँ रहता हूँ, वहाँ से अप डाउन करता बिलोंग करता हूँ रीवा के लिए। ये तीन लोगों का हाथ है इसमें, इसके उपाध्याय ये बैकुंडपुर थाना लगता है और गांव इनका है पाली गांव। अभी आप देख रहे थे मुकुंदपुर उर्स का नजारा, वहां पर जाने वाले जायरीनों से बातचीत, इसको कहते हैं आस्था, आस्था का सैलाब। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बटन दबाइए, हमें लगातार उत्साहित करिए, जिससे हम इस तरह की खबरें आप तक पहुंचाते रहें। आज के लिए इतना ही।